हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले NCERT क्लास 9 हिंदी का चैप्टर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का सारांश वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आई बटन पर दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का भी लुत्फ उठाते रहें। पहला क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे के कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उत्तर है, बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। दूसरा है, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोष बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने उनका क्या बिगाड़ा है। तीसरा है, मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि उनकी मरी हुई पुत्री मेरी मेरी सहेली है और उसका आखिरी पत्र अभी भी उसके पास सुरक्षित है। यानी यहाँ पर मैना अपने हे के पुत्री के साथ रिलेशन को दिखा रही थी कि मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ, तो आप मेरे महल को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैना ने जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? मैना का जो मकान था वो उसके पिता का था, तो ये जरूरी है कि वो उस अपने पिता के सामान यानी मकान को बचाएगी। देखिए उत्तर में क्या है, मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी। पैतृक का मतलब बड़ा पिता की एक धरोहर थी, मकान बनाई हुई थी, उसी में मैना की बचपन की पिता की परिवार की यादें समाई हुई थी। वह उसके जीवन का आखिरी सहारा भी हो सकता था, इसीलिए वह उसे बचाना चाहती थी। नाना साहब ने अंग्रेजों का नरसंहार करके उन्हें बहुत ही हानि पहुंचाई थी। उनसे बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकार उनसे जुड़ी हर निशानी नष्ट करना चाहती थी। यह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब का था। ब्रिटिश सरकार से मिले आदेश के अनुसार वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज के विरुद्ध आवाज ना उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? मैना पर सर टॉमस हे की मृत पुत्री मेरी की प्रिय सखी थी। दूसरा कारण यह होगा कि मैना के घर आते रहे होंगे और तब वे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मैना के रूप में उन्हें अपने मृत पुत्री मेरी की छवि दिखाई दी होगी और उनके मन में ममता जग गई होगी। उन्हें मैना के तर्कों में सच्चाई नजर आई होगी। ये सभी कारण होंगे कि हे के मन में मैना के प्रति दया का भाव उत्पन्न हुआ। यानी जब मैना बताती है कि मैं आपके बेटी का फ्रेंड हूँ, मैं आपके बेटी का सखी हूँ, आप मुझे इस तरह से मेरे महल को नष्ट नहीं कर सकते, ये सारे यादें को, पुरानी यादें को हे को मैना बताती है और हे को अपने पुरानी यादें याद आ जाती है, तब हुए उनके मैना के प्रति उनका मन भी दया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर के रो ले। प्रसाद का मतलब हो रहा जो महल का ढेर था उनका, उसी को यहाँ पे प्रसाद कहा गया है। लेकिन पाषाण हृदय वाले, पाषाण का मतलब होता है पत्थर के समान हृदय वाले जनरल कौन थे, उसका नाम क्या था, जनरल का नाम क्या था, आउटरम। मैना महल के ढेर पर बैठकर जी भर के रो लेना चाहती थी पर पाषाण हृदय वाले जनरल आउटरम ने उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी क्योंकि आउटरम के मन में यह भय होगा कि अगर वह उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उन पर फूट पड़ेगा, उसे इसके लिए कठोर दंड भी मिल सकता है। इसी कारण उसने मैना को यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? बालिका मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, साहस, स्पष्ट वक्ता, निडरता, भावुकता, तर्कशीलता की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे क्योंकि वे कुछ ऐसे गुण हैं जिससे मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है और वह अपने अपने साथ देश के विकास में सहभागी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है, मतलब इस वाक्य में जो यहाँ पे भारत सरकार कहा गया है यह भारत सरकार का मीनिंग क्या है, उसको यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पर भारत सरकार से आशय है कि ब्रिटिश शासन के आदेश के अंतर्गत चलने वाली ऐसी सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी उनके नाम पर चलाते थे। यानी भारत सरकार का मतलब हो रहा ब्रिटिश के द्वारा ही चलाने वाली
सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना और अभिव्यक्ति से। पहला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी। लेखन का मतलब हो रहा वहाँ उस समय के जो कवि थे, जो कहानी लिखते थे, जो अंग्रेजों के प्रति अपना मतलब क्रांतिकारी भावना वाला कविताएं लिखते थे, उस समय ये कविताओं का क्या प्रभाव पड़ा भारतीयों पर, क्या उनके अंदर ऐसा जोश भरा जिसे वे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिए। आइए जानते हैं, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में, समाज के लोगों तक संदेश पहुंचाने में इन लेखों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे, आक्रोश से भर जाते होंगे, आक्रोश का मतलब बड़ा गुस्सा आ जाता होगा उनके प्रति, और संघर्ष के लिए तत्पर हो जाते होंगे। जब उन्होंने मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात, वध का मतलब होता है हत्या कर देना, बात सुनी तो उनका हृदय करुणा से और श्रद्धा से उठ गया, उनका हृदय करुणा और श्रद्धा से भर उठा, और मैना के बलिदान से उन्हें देशभक्ति के प्रति प्रेरणा मिली। यही भाव स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार सिद्ध हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान का यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और अपने कक्षा भर में भावपूर्ण शैली में पढ़े। यहाँ पर जो लिखा गया है कि आपको रेडियो के सूचना, रेडियो में जैसे आरजे लोग बोलते हैं कि नमस्कार मैं हूँ आरजे नवीन कुमार, इस तरह से आपको यहाँ पे भी इस न्यूज को रेडियो के थ्रू बताना है कि आप रेडियो में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। आइए जानते हैं, यह आकाशवाणी का कानपुर का चैनल है। आज आपके समक्ष संध्या समाचार के बेलों में मैना देवी के बलिदान पर संक्षिप्त विवरण के प्रस्तुत करता है श्री रवि वर्मा जी। अत्यंत दुख के साथ यह सूचित किया जाता है कि कल सायंकाल मैना देवी का देवासन हो गया। अंग्रेज सरकार जनरल आउट्रम के द्वारा बड़ी ही अमानवीयता के साथ मैना देवी को जलती हुई आग में भस्म कर दिया गया। सारा शहर इस घटना पर अत्यंत ही क्रुद्ध तथा दुखी है। भले ही आज मैना देवी इस नश्वर संसार को त्याग कर परम धाम को चली गई है, परंतु उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे आने वाले समय में देशवासियों को निश्चित रूप से प्रेरणा प्रदान कर दिया है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट में रिपोर्टाज प्रारंभिक रूप की झटक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती है। आप कोई दो खबरें ऐसी खबर काटकर अपनी कॉपी पर चिपकाए तथा कक्षा में पढ़कर सुनाए, यानी ये ज़्यादातर आपको एक्टिविटी फाइल में देखने को मिलता है। ये आप लोगों को टीचर एक्टिविटी फाइल में करने के लिए बोलेंगे। देखिए, रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट जिसे इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। अब रिपोर्ट का मतलब क्या होता है सर, रिपोर्ट का मतलब होता है आंखों देखी हाल। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में आपने देखा कि एक बस एक्सीडेंट हो गया, तो यही आंखों देखी हाल को रिपोर्ट कहते हैं, समझ में। जैसे कि आप कोई न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कोई एक्सीडेंट के बारे में या कोई घटना के बारे में, तो उसे ही जो न्यूज़पेपर में लिखा जाता है उसे रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट के शैली में ही या न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपता है, वहाँ से ही आपको यह दो रिपोर्ट को काट कर उसको अपने एक्टिविटी फाइल में स्कूल के जब टीचर बोलेंगे तब लगाना होगा, आपको एक्टिविटी फाइल में लगाना है और उस रिपोर्ट को वहाँ पे लिखना होगा। क्लियर। आइए जानते हैं, यहाँ पर दो बेसिक रिपोर्ट दिया गया है, उसको उसमें क्या हम लोग दिया गया है इसको जानेंगे। नवभारत टाइम्स, यानी नवभारत टाइम्स ये न्यूज़पेपर का नाम है। 25 सितंबर 2014, पहले ही कोशिश में मंगल तक पहुँचा भारत। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने आज नायाब उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान सुबह 8 बज के करीब मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित की। एशिया से कोई भी देश अब तक यह सफलता हासिल नहीं कर सका। चीन जापान के अब तक के सभी प्रयास विफल रहे, जबकि अमेरिका का मंगल पर पहुँचने के लिए 7 प्रयास करने पड़े थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और मावेन की टीम ने भारतीय यान मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए इसरो को बधाई दी है। यानी ये जो एक रिपोर्ट था, यह था एक वैज्ञानिक घटना जो हुआ था यहाँ पर, वह रिपोर्ट यहाँ पे हम लोग जाने। अब जानेंगे इसी तरह का एक दूसरा रिपोर्ट भी है जो कि एक एक्सीडेंट के ऊपर या एक आपका जो क्षतिपूर्ति होता है बाढ़ या तूफान आने से उसके ऊपर है, उसको हम लोग जानेंगे। इसमें ये कैसे लिखा हुआ है, देखिए, नवभारत टाइम्स 29 सितंबर 2014, बाढ़ से 1 लाख करोड़ रुपए देने के नुकसान का अनुमान।
जम्मू कश्मीर सरकार ने आज बताया कि आज राज्य के बाढ़ का कारण लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान आकलन किया गया है। राज्य की उमर अब्दुल्ला सरकार ने उम्मीद जताई कि केंद्र प्रभावित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मुहैया कराएगा। मुख्य सचिव मोहम्मद इकबाल खांडे ने पत्रकारों से कहा कि बाढ़ के कारण 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मुख्य सचिव ने यह कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की वजह से नुकसान के बारे में विस्तृत ज्ञापन को तैयार करेगी, जिसे इस सप्ताह के अंत तक केंद्र को दे दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार प्रभावित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के केंद्र के पत्र लिखकर राज्य में बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, हमने क्षतिग्रस्त घरों के लिए 5 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 2 लाख रुपये मुआवजा देने का अनुरोध किया है। ये था एक दूसरा रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पार्ट में रिपोर्ट के प्रारंभिक रूप की जो झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती है। आप अपने आसपास की किसी एक घटना का वर्णन रिपोर्टाज की शैली में कीजिए, यानी आप घर का आसपास कोई एक ऐसा घटना घटा या जो आपके आंखों देखी हुई घटना जो घटी है उसको अपने रिपोर्ट का शैली में लिखना है, मतलब रिपोर्ट उसको बनाना है। देखिए क्या हुआ था। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अमर प्रेश और राज तीनों मंगलवार की रात गाड़ी से घर जा रहे थे, तब पीछे से ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने अमर को तत्काल मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रेम और राज की गंभीर हालत बनी हुई है और उनकी इलाज भी चल रही है। ये था आपका आंखों देखी हुई हाल, यानी एक रिपोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में अनुच्छेद लिखे, यानी एक पैराग्राफ लिखना है, जिसे कोई बहादुरी काम किया हो, जिसने ऐसा काम किया हो जिसके लिए उसे पुरस्कार देने योग्य हो। देखिए ये क्या है, किसी के कुछ अच्छे काम के फलस्वरूप उसको बहादुरी के लिए पुरस्कार देने वाला एक पैराग्राफ लिखना है। हमारा देश का इतिहास साहसी लोगों के कारनामे से भरा पड़ा है, आज भी इनकी कमी नहीं है। ऐसा ही एक बहादुर लड़की ने अपने जान पर खेलकर अपने मात्र 4 वर्ष के भाई की जान बचाई। अरे वाह क्या बात है। दिल्ली का 9 वर्ष की बालिका मही का अपने परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। यह घटना कब का है, जब केदारनाथ मंदिर में त्रासदी आई थी, यानी वहाँ पे जब अचानक सा बादल फटने के कारण जो बाढ़ आई थी उसके फलस्वरूप केदारनाथ मंदिर में बहुत पानी जम गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्षति हुआ था, बहुत सारे लोग वहाँ पर बह गए थे, बहुत सारे लोगों को मृत्यु हुआ था और अचानक से वहाँ पे मलबा भर गया था, जिससे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग उस मलबे के नीचे दब गए थे। अचानक प्राकृतिक विपत्ति आन पड़ी, वह अपने परिवार से बिछड़ गई, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसे में अपने छोटे भाई के रोने की आवाज़ आई। तैरना न आने के बावजूद वह बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई और अपने भाई को ढूंढकर सुरक्षित स्थान पर ले आई। तीन दिन तक वह बेचारी भूखी प्यासी अपने भाई को पकड़े बैठी रही। इसके इस साहस के लिए उन्हें राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देखिए 3 दिन तक वह बिना खाए पिए अपने भाई को लेकर थी, ऐसा साहस हर एक लड़की में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है, जो लगभग 75 से 80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद का वर्तमान मानक हिंदी के रूप में लिखे, यानी ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर भाषा में वर्तनी का रूप, यानी जो मात्रा था, जैसे कि आप लोग जब आप लोग सारांश वाला वीडियो देखेंगे तब उसमें मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर अंग्रेजों का जो स्पेलिंग अभी है, अंग्रेजो हम लोग बोलते, और पहले का जो स्पेलिंग था अंग्रेजो, तो वो दोनों स्पेलिंग में डिफरेंस था, क्योंकि ये जो कहानी है इसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया गया है। जो बुक में आप लोग का लिखा गया वो पूरा रियल है, इसमें कोई भी वर्ड को सुधारा नहीं किया है, ये पहले ही आप लोगों को कहानी शुरू करने से पहले ही बता दिया गया था। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो इस कहानी के फलस्वरूप जो दिखाया गया है उसको एक रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पर लिखना है। तो आइए जानते हैं क्या उस समय के घटना के अनुसार उसको हम लोग उस घटना को जो नाना साहब के साथ क्या घटित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, उस घटना को हम लोग रिपोर्ट के शैली में यहाँ पर जानेंगे। कानपुर में घटित हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में स्थित नाना साहब का राजमहल अंग्रेजों द्वारा लूट लिया गया, लेकिन अंग्रेजी सैनिक अधिक नुकसान नहीं कर पाए। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप द्वारा नाना साहब के महल को उड़ा देना चाहा, तभी महल के बरामदे में एक सुंदर लड़की आकर खड़ी हो गई। यह देखकर अंग्रेजी सैनिक सेना हैरान हुई, क्योंकि महल को लूटते समय यह बालिका वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दी थी।
जिससे अंग्रेज सैनिक को बहुत ही हैरान हुआ था। और इसके बाद का जो घटना है, हे के साथ उसका वार्तालाप होता है, और जो अंग्रेज सैनिक के जो जनरल थे हे, वे उनको मारना नहीं चाहते थे, वे उनको छोड़ देना चाहते थे। लेकिन इनका वार्तालाप हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर आउटरम पहुँच गया, और वह उसको कहा कि अभी तक तुमने इसको क्यों नहीं मारा। तो वह उसको बोलता है कि क्या यह बच्ची का माफ़ी का कोई उपाय है। तो आउटरम कहते हैं कि नहीं, इसे हम लोग माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ से वह बच्ची फरार हो जाती है, यानी भाग जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो फूल फेंक कर, चाहे मोमबत्ती फेंक कर, मुझे नहीं पता, बट लाइक मिलनी चाहिए। और हाँ, आपका जो नीचे रेड बटन का बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर कैसे भी, चाहे आप मार कर करो, चाहे छींक फेंक कर करो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।